कि जो लोग कहते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं, राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आना था तो 16-16 वकील खड़े किए थे विपक्ष में कि अभी आदेश न दिया जाए तो भाजपा को लाभ मिलेगी। जो लोग निहत्ते राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग कहते थे वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, आज स्थिति देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया ने कहा, खुले आंखें से लोगों ने देखा, कोई बचा जो अयोध्या नहीं आया, जो राम जन्मभूमि की बात नहीं किया, जिसने हिंदुत्व की बात नहीं किया, जो गोली चलवाया उसने कहा अब्बा जान सहित मैं आऊँगा राम जी का दर्शन करने के लिए। अयोध्या को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, जिस तरीके से 2017 के बाद योगी सरकार की तरफ से लगातार कहा है उन्होंने कि मंदिरों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 2017 के बाद हनुमानगढ़ी और पूरे उत्तर प्रदेश की अयोध्या में कितने बदलाव देखते हैं? नहीं, पहले तो मैं उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आभार दूंगा और माननीय देश को प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। क्या था स्थिति कि अयोध्या राजनीतिक नेताओं की शिकार थी, अयोध्या के ऊपर कभी भी कोई ध्यान नहीं देता था। पूर्व की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हुआ करते थे। कल्याण सिंह जी ने बहुत लंबा अमाउंट, बहुत लंबा बजट दिया, लेकिन जैसे ही कल्याण सिंह जी की सरकार खत्म हुई 500 करोड़ का बजट वापस हो गया, काम नहीं हुआ, पैसे वापस हो गए, उसके बाद से किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है, क्योंकि केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम केंद्र के अंतर्गत योजना रचना बनाई थी, लेकिन वो सब चीज़ धरातल पे नहीं उतर पाई थी। लेकिन जब से 4.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज हुए हैं, तब से लगातार चहुंमुखी विकास, ऐसा ही कोई मुख्यमंत्री होगा भविष्य में, अभी तक तो नहीं हुआ, जो 30 बार अयोध्या का दौरा, असंभव, 4.5 साल में 30 बार अयोध्या आना, और जब भी आना कुछ न कुछ बजट देना, वो भी 1 रुपया नहीं, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, ऐसे करके अयोध्या सजाने संवारने, नव्य दिव्य और भव्य बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार में योजना बनी। आप देखेंगे जैसे वहाँ से एंट्री करेंगे नयाघाट से, वहाँ देखेंगे कि राम की पैरी हरि की पौरी के तहत डेवलप करके सजाने की व्यवस्था, जहाँ पर आप देखेंगे कि विश्व में सबसे देखे जाने वाला और आकर्षित करने वाला दीपावली, अयोध्या से जिसकी जन्म हुआ, और वहीं देखने को आपको मिले होंगे। वहाँ किस प्रकार से राम की पैड़ी की स्थिति खराब थी, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बना दिया। आप देखेंगे कि जैसे आप एंट्री करेंगे तो दोनों तरफ लाइटिंग की बहुत खूबसूरत व्यवस्था, पहले आप देखेंगे तारों का जंजाल, लेकिन अब देखेंगे दोनों तरफ खूबसूरत LED लगी हुई है, जब शाम होता है तो बहुत खूबसूरत दूधिया रोशनी देखने को मिलता है। उसके बाद अयोध्या को जो लोकल स्तर का विकास है, चाहे पेयजल की सुविधा हो, प्रधानमंत्री पेयजल योजना के तहत, अटल योजना के तहत लगातार हर घर में फ्री कनेक्शन पानी का, हर जगह आप देखेंगे सीवर का काम बहुत तेज़ी से, आप देखेंगे कि गैस पाइपलाइन का भी काम बहुत तेज़ी से हो गया। आप देखेंगे कि जहां भगवान राम गुप्त हुए थे, गुप्तार घाट उसको बोलते हैं, गुप्तार घाट से लेकर अयोध्या तक क्रूज चलाने की व्यवस्था, इस पर भी काम शुरू हुआ है। इसके तहत आप देखेंगे कि वहाँ की घाटों का बहुत ही सौंदर्यीकरण बहुत सुंदर हुआ है, जो कुछ था ही नहीं वहाँ पर, बहुत खूबसूरत घाट बनी हुई आप देख सकती हैं। उसके बाद जब आप अयोध्या आएंगे, अयोध्या से चित्रकूट जोड़ने का काम, 4 लाइन की व्यवस्था, जहाँ तक भगवान राम गए वहाँ तक चित्रकूट तक अयोध्या से योजना बनाए हैं। उसके तहत जहाँ भी धार्मिक जगह है उसको किस प्रकार डेवलप किया जाए, भगवान से जुड़े हुए, भगवान से संबंधित क्या क्या उन्होंने क्रियाकलाप किया है, इसके तहत उसको डेवलप करने का काम। अयोध्या 84 कोस में है, 84 कोस के साथ साथ आप देखेंगे कि जो 84 कोस में जो भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ऋषि मुनि महात्मा की जन्मस्थली, कुंड, इस टाइप के जो सरोवर, इसको डेवलप करने का काम सब जगह बजट सरकार ने दी है, उस पर भी काम शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि 14 कोस के अंतर्गत जो भी धार्मिक जगह है उसको भी डेवलप करने का काम, पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत जो भी कुंड है उसको पुनर्उद्धार करने का काम, आप देखेंगे पूरे विश्व को कैसे जोड़ा जाए, उसके नाते श्रीराम एयरपोर्ट, भाई यहाँ बस एयरपोर्ट तो थे लेकिन
इस प्रकार के नहीं थे, तो पूरे विश्व को जोड़ने के लिए जमीन एक्वायर का काम शुरू हो गया है, कुछ लोगों को हो भी गई है, बहुत लोगों को बजट दे भी दिया गया, तो उस पर डेवलप का काम चल रहा है। आप देखेंगे दशरथ मेडिकल कॉलेज, उसका भी काम संपन्न है, ठीक ठाक से हो गई है। अब सरकार बहुत तेज़ी से नव्य और दिव्य अयोध्या बनाने के लिए बहुत से ज़मीन एक्वायर किया है, उसमें तमाम देशों को जोड़ने के लिए, तमाम देश की संस्कृति को जोड़ने के लिए, तमाम देश की जो भाषा है, तमाम देशों को जो संस्कृति है, तमाम देशों के जो धर्म है, उसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है। तो पूरे विश्व से अयोध्या का जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में कार्य चल रहा है। अभी तत्काल में 2-3 दिन पहले की घटना, में गोरखपुर गया हुआ था, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने कहा राजदास जी वो कुश्ती में क्या चल रहा है भाई, अयोध्या तो कुश्तियों के लिए जाना जाता है। तो क्या है कि पहले सनातन धर्म संस्कृति में अखाड़ों की संरचना हुई, धर्म की रक्षा करने के लिए अखाड़ों की संरचना हुई, अखाड़े में पहलवान रहते थे, ताकत से संपन्न रहते थे, तो उनकी फौज की जगह भेज दिया था चलो लड़ाई के लिए, तो ऐसी व्यवस्था चल रही थी। तो यहाँ कोई अखाड़े की तो थी, मिट्टी की व्यवस्था थी, अब क्या हो गया, अब मोटिफाई हो गया, अब गद्दे पे लोग पहलवान लोग लड़ते हैं, तो यहाँ से पहलवान बाहर नहीं जा पाते। पहले यहाँ विश्व मतलब हिंद के सिर तक पहलवान हुआ करते थे मेरे यहाँ, अब क्योंकि गद्दा पे होता है यहाँ से लोग बाहर नहीं जा पाते, उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, मिट्टी के पहलवान गद्दे पे लड़ नहीं पाते। इसके नाते अभी तत्काल उन्होंने आदेश दिया और गद्दे की व्यवस्था के लिए भी तैयार होगी। तो खेल मतलब सभी विषय पर अगर कोई बात करने वाला है तो मुख्यमंत्री जी और लगातार इस पर तत्पर हैं। चौमुखी विकास और नव्य दिव्य भव्य अयोध्या की तैयारी योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसके नाते योगी जी कोट कोट आभार, कोट कोट धन्यवाद। महंत जी मेरा एक और सवाल है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए और अयोध्या के लिए काम कर रहे हैं, आपने भी कहा कि जितने भी दौरे उन्होंने अयोध्या के किए, हर बार पे उन्होंने कोई ना कोई सौगात दी है अयोध्या के लिए, इसी को लेकर विपक्ष हो या फिर अखिलेश यादव, वो बार बार पे कहते हैं कि हिंदुत्व को लेकर सिर्फ एजेंडा चलाया जा रहा है। अभी बोलेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, बुरा इसके नाते लगेगा कि जो लोग कहते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं, राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आना था तो 16-16 वकील खड़े किए थे विपक्ष में कि अभी आदेश न दिया जाए नहीं तो भाजपा को लाभ मिलेगी। जो लोग निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग कहते थे वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, आज स्थिति देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया ने कहा, खुले आँखें से लोगों ने देखा, कोई बचा जो अयोध्या नहीं आया, जो राम जन्मभूमि की बात नहीं किया, जिसने हिंदुत्व की बात नहीं किया, जो गोली चलवाया उसने कहा अब्बा जान सहित मैं आऊँगा राम जी का दर्शन करने के लिए, क्यों परिवर्तन आया? अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे काम कर रही है, जो लोग राम को अस्तित्व को नकारते थे, जो लोग कहते थे मंदिर जाते हैं नौजवान लड़की छेड़ने के लिए, वो आते उनको मैंने ही तिलक लगाया, मैंने पूछा कि आप एक साल हुआ आप लड़की छेड़ने आए क्या, भगे बहुत तेजी। जो लोग वहाँ कहते थे सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, उनको भी अयोध्या के मंदिर मंदिर घूमना पड़ा, साधु संतों से आशीर्वाद लेना पड़ा, जबकि उनकी जन्म अभी हुआ है, वो बरसाती मेघा हैं, वो ये लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहें तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, ये गलती से हिंदू हो गए। बताए लाभ, आप बताओ, जब मुझको जरूरत था तब ये कभी काम नहीं आए, जब मेरे कार्य सिद्ध हो गए तो आप सब कह रहा है कि मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं, अरे भाई तुम क्या मंदिर बनाओगे, काम तो चल रहा है मेरा। अब सब लोग बिना हिंदुत्व के सहारे, बिना राम के सहारे किसी के नैया पार नहीं लगने वाला, इसके नाते अब सब जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी उसने कर दी, अब ये उसी पे आ गए, तो कैसे ये बात करेंगे? ये टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने वाले लोग, जो लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, घरियाली आंसू बहा रहे हैं, जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, कि यह भाषा ये मानसिकता हर व्यक्ति ने देखा, तो मैं कैसे इनके ऊपर विश्वास करूँ? मुझको हिंदुत्व के ऊपर विश्वास के साथ साथ माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जो कार्य किया है कोई नहीं कर सकता है, उन्होंने करके दिखाया, और इन्होंने जो किया वो भी मैं देखा, तो मैं जिसने करके दिखाया उसके साथ है, जिसने मेरे साथ जो किया उसके साथ हम नहीं।